हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर आपके लिए एक फ्रेश और नई वीडियो लेकर के आया हूँ। XUV300 महिंद्रा XUV300 के फेस लिफ्ट वेरिएंट के बारे में मैं कुछ स्पेशल जानकारी आपको देने वाला हूँ। एकदम नई ताज़ी जानकारी मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। महिंद्रा अपनी हर दिन हर महीने नई पे नई गाड़ी लॉन्च कर रहा है, और उसका नया सेगमेंट अगर लॉन्च करता है तो उसका जो प्रीवियस सेगमेंट रहता है उसका फेसलिफ्ट लॉन्च कर देता है। तो इसी तरह से XUV300 का फेसलिफ्ट पूरी तरह से आने वाला है। इसमें थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस किए जाएंगे, जैसे टेल लाइट हुआ, बैक बम्पर हुआ, और फ्रंट फॉग लैंप हुए, फ्रंट हेडलाइट्स हुई। अंदर से कुछ थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस किए जाएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहें, मैं पूरी इसमें आपको XUV300 की जानकारी देने वाला हूँ। इसमें इंजन कौन सा मिलेगा, डीजल कितने सीसी मिलेगा, पेट्रोल कितने सीसी इंजन मिलेगा, कितने टॉर्क आपको मिलेगा, कितना हॉर्स पावर आपको इसमें मिलेगा, और ये 16 इंच के इतना लगे पहले आते थे, अब कितने इंच के आएंगे, इसमें एड्रॉक्स आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पैनारोमिक सनरूफ मिलेगी कि वही छोटी मिड साइज जो पहले सनरूफ आ रही थी इलेक्ट्रॉनिक वही वाली मिलेगी, या इसमें सुजुकी की हाईराइडर के तरीके सनरूफ देंगे पैनारोमिक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The way you move, the way you feel. अभी कुछ दिन पहले, बीते दिनों पहले, इसमें अपनी बिग डैडी एसयूवी लॉन्च की स्कॉर्पियो एन, उसका प्रीवियस जनरेशन मॉडल का भी फैसिलिटी इन्होंने लॉन्च कर दिया है स्कॉर्पियो क्लासिक के नाम से। उसमें सिर्फ दो ही वेरियंट आ रहे हैं, एस और S11। अब XUV300 का फेसलिफ्ट ये लॉन्च करने वाले हैं। इसमें सुनने में आ रहा है कि कुछ अंदर से कॉस्मेटिक चेंजेस, और ये रिवाल करती है हमारी मारुति सुजुकी की विटारा, ब्रेजा से, हुंडई वेन्यू से, किया सोनेट से, नेक्सॉन से, इन सब गाड़ियों को टक्कर देती है। और ये 5-स्टार रेटिंग कार है इन सारे सेगमेंट में, एसयूवी कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट में। इसमें फ्रंट ग्रिल में थोड़े बहुत चेंजेस मिलने वाले हैं, नया महिंद्रा को लोगो मिलेगा, इसके अलॉय व्हील 17 इंचेस के होंगे, और फॉग लैम्प में थोड़े बहुत चेंजेस मिलेंगे, DRN मिलेगी, फ्रंट 6 स्लाइड ग्रिल मिलने वाली है जैसे स्कॉर्पियो में अभी आपको क्लासिक में को मिली है। इसमें 360 डिग्री कैमरा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो बात की बात है, अभी ये जानकारी किसी के पास भी नहीं है। इसमें आपको फ्रंट में फॉग लैम्प में चेंजेस मिलेंगे, DRL में चेंजेस मिलेंगे, बैक टेल लाइट में आपको इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा, पैनोरामिक सनरूफ भी आपको इसमें मिल सकती है, और साइड से प्रोफाइल वही सेम रहेगी जो पहले से, फिर कभी इस कंडीशन में जो XUV300 आ रही है साइड से जिस तरीके से वो उसी तरीके से साइड से ये मिलेगी। इसमें नया स्टेयरिंग लोगो के साथ मिलेगा, नया इंफोटेनमेंट सिस्टम स्कॉर्पियो के तरीके आपको देखने को मिलेगा, स्पीकर सोनी के मिल सकती हैं, JBL के, अब ये तो जानकारी पूरी नहीं है, इन दोनों में से किसी भी कंपनी के आपको स्पीकर साउंड सिस्टम बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। और इसमें आपको ब्लू सेंस एक्टिविटी जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। अगर इसमें हम आपको इंजन की बात करें तो इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन आएगा, पेट्रोल इंजन 1.2 लीटर टर्बो आएगा जो पावर प्रोड्यूस करेगा 108 BHP और 200 Nm टॉर्क। और अगर हम डीजल इंजन की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर डीजल इंजन आएगा जो आपको पावर प्रोड्यूस करेगा 115 BHP, मतलब 115 हॉर्स पावर और 300 Nm का टॉर्क आपको प्रोड्यूस करके जनरेट करके देगा। और इसमें आपको गियर ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों मिलेंगे, 6 स्पीड का आपको इसमें गियर बॉक्स मिलेगा। इसकी प्राइस 9.5 लाख रुपए 15.5 लाख रुपए के बीच में होने वाली है। और इसमें आपको ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों 6 स्पीड गियर मिलेंगे, और रिवर्स इसका गियर जो है आगे कूट कर लगेगा जैसे XUV500 में लगता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद।